कोर्ट में सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 28 फरवरी को सहाफियों पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने यह फैसला सुनाया है। एहतशाम अब्बासी बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें आगाह करेंगे समाअत के हवाले से। जी एहतशाम जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 28 फरवरी को दर्ज दहशतगर्दी मुकदमे में सहाफियों पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा जो है सहाफियों का बयान उसमें रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया गया है। 28 फरवरी हुक्म पर इससे पहले दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्दी के मुकदमे में ही मदई और दिगर सहाफियों का बयान रिकॉर्ड किया जाए, ये ऑर्डर जारी किया है ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत से, और अब इस हवाले से पुलिस को आगाह कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम अब्बासी, अपडेट कर रहे थे इस अहम मुकदमे के हवाले पर। तशद्दुद केस है जिसकी समाअत हुई है, इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर। अब्बास शबीर, इस केस की समाअत हुई है, क्या कहेंगे जो हुक्म सामने आया है आज अदालत का? देखिए बड़ा खुशाइन फैसला है, ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि सहाफियों पर आइंदा कोई भी तशद्दुद करने के लिए सोचेगा। आज जो जज साहब ने, ताहिर अब्बास साहब, सिपरा साहब ने जो फैसला दिया है, इसमें जो काविशें हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो सबका प्रेसिडेंट है साकिब बशीर साहब, वो जब मुझे मार पड़ी थी तो वो मुझे बचाने के लिए आए थे। उसके बाद जो दूसरे कुलीग थे वो भी मैदान में आए और उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये वाकई तशद्दुद हुआ था उस दिन और इस पर काफी कोशिश की गई, और जर्नलिस्ट जो है टीवी चैनल के एंकर शहजाद भी, उन्होंने भी इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया कि ये मुकदमा हर सूरत में होना चाहिए। और आज जो अदालत ने ये फैसला दिया है, ये एक अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल सेट होगी कि दहशतगर्दी के मुकदमे में मुदई और दीगर सहाफियों के बयान रिकॉर्ड किए जाए और पुलिस को कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। सेशन अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जो दरख्वास्त सहाफियों ने दे रखी थी उस पर आज एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें दोबारा क्रेडिट जाता है हमारे तमाम जर्नलिस्ट दोस्तों को, साकिब बशीर साहब को, उनकी पूरी टीम को, और जिशान सैयद को भी उस दिन मार पड़ी थी, मुझे था, साकिब बशीर थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है और इससे हौसला अफजाई होगी सहाफियों की, और आइंदा ये एक एग्जाम्पल सेट होगी कि पुलिस ऐसे किसी इवेंट के ऊपर जो आम हमें नजर आता है कि तशद्दुद करती है या कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करेगी, तो वो उससे लाजमी आज के इस फैसले के बाद उससे वो इज्तनाब करेंगे और मोहतात रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर।